सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस फेम और हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम अराजकता की भेंट चढ़ गया। बेकाबू भीड़ ने जमकर बवाल किया। पथराव के बीच कुर्सियां चली तो भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों को चोटें आई। बड़ी संख्या में लोग जमीन पर गिरकर चोटिल हो गए। आयोजकों ने सपना को बचाकर किसी तरह मंच से नीचे उतारा। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और उत्पाती लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसे जहां जगह मिली भाग खड़ा हुआ। कार्यक्रम को बीच में ही खत्म करना पड़ा। रविवार की शाम ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क में कार्यक्रम था। तय समय शाम 6 बजे से 1 घंटे लेट 7 बजे सपना चौधरी मंच पर पहुंची। 2 गानों तक तो स्थिति सामान्य रही, लेकिन जैसे ही आंखों का काजल गाने पर सपना ने थिरकना शुरू किया, भीड़ बेकाबू होने लगी। लोगों ने हंगामा और हूटिंग शुरू कर दी। 4वें-5वें गाने तक सपना खुद माइक पकड़कर लोगों से शांत रहने के लिए अपील करने लगी। इसके बाद जब सपना ने पल पल याद तेरी सतावे गाने पर डांस शुरू किया, भीड़ फिर से बेकाबू हो गई और कार्यक्रम स्थल पर रखी कुर्सियों को लोग एक दूसरे पर फेंकने लगे और वहां मीडिया कर्मियों से भी हाथापाई होने लगी। कार्यक्रम स्थल पर पत्थर चलने शुरू हो गए और उसी में फोर्स ने भी लोगों को रोकने का प्रयास किया। इधर पुलिस के लाठीचार्ज से भगदड़ मच गई। ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क गेट तक पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।